चौधर कटक विधायक सौभिक विश्वालंक महानता। सौभिक विश्वाल जरूरी कार्य भुवनेश्वर जाऊथवा बेले कटक प्रताप महानगर निकट जातीय राजपथ रे दुई जन युवती दुर्घटना होई रास्तारे पड़िथिले। जणे युवतीक गोड़ उपरे गाड़ी चढ़ जाइथिया बेले अन्य जणे युवतीक छाती और मुंडरे आघात लागिथिला। एया देखि संगे संगे विधायक निज गाड़ी बाहरी आसी तुरंत तांको गाड़ी रे दुई युवतीक बसे एसपी मेडिकल को चिकित्सा पई आनिथिबार जणा पड़िछि। ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन को प्राइवेट सेक्रेटरी बीरंची नारायण साहू को राजधानी नीलाद्री विहार स्थित बासभवन समेत कटक और भुवनेश्वर छह स्थान में विजिलेंस चढ़ाऊ जारी रही। आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग में यह चढ़ाऊ कर जनाई श्री साहू नाम में दुईट दुई महला कोठा और नौट प्लट थवर प्रारंभिक तदंतर जमापड़ी। श्री साहू भाउज घर 13 लाख टंका जबत कर श्री साहू घर विपुल नगद टंका उद्धार कर यह अर्थर गणना एवं परवर्ती संधान चली। चढ़ाऊ में 4 जन डीएसपी 13 जन इन्स्पेक्टर और अन्यान कर्मचारियों को नहीं 3टी दल सामिल होइतिबार सूचना रही। तृतीय दिन में पहुंची गंजाम वकिल संघ आंदोलन। ब्रह्मपुर ठारे हाइकोर्ट स्थायी बेंच प्रतिष्ठा दाबी में वकिल आंदोलन जारी रही। तृतीय दिन मध्य वकिल मैंने सत्याग्रह जारी कर आज गंजाम जिला बहु पुरातन स्वेच्छासेवी अनुष्ठान संस्कारवादी तरफ संघ सभापति संपादक समेत बहु कर्मकर्ता आसी वकिल मानक आंदोलन में जोगदे पूर्ण समर्थन जनईंट। संघ सभापति जनार्दन सुबोधी उपसभापति भाग्य राव संपादक प्रदीप बेहरा सह संपादक सुधीर कुमार पात्र समेत बहु वरिष्ठ वकिल उपस्थित थिले। पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान को नोटिस देछंती निर्वाचन आयोग। निर्धारित समय मध्य इमरान खान तांको पार्टी पाकिस्तान तेहरिक ए इंसाफ रे आभ्यंतरीण निर्वाचन करि पारि नथिबारु पाकिस्तान निर्वाचन आयोग एक कारण दर्शाओ नोटिस जारी करछंती। डन खबरकगज रिपोर्ट अनुजाई पाकिस्तान निर्वाचन कमिशन पाकिस्तान प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान तेहरिक ई इंसाफ अध्यक्ष इमरान खान को निर्वाचन अधिनियम 2017 धारा 215(4) अनुजाई नोटिस जारी करछंती। 14 दिन मध्य यार उत्तर देवाक पड़िबो एवं एपरी न देले निर्वाचन आयोग आहुरी कठोर कार्यानुष्ठान नै परंती बोली चेतावनी दिया जाइछि। दशम परीक्षा देउछनी सोरोडा विधायक पूर्णचंद्र स्वाई। आज ठार दशम ऑफलाइन परीक्षा आरंभ होइछि। असंतुष्ट थिबा 15,000 रु अधिक छात्र छात्री देउछनी परीक्षा आउ सेही छात्र छात्रीक मध्य अछंती गंजाम सोरोडा 3 थर विधायक पूर्णचंद्र स्वाई। स्थानीय सरकारी उच्च विद्यालय परीक्षा सेन्टर में ऑफलाइन परीक्षा देउछनी तेबे विधायक पत्र विनिमय कोर्स रे परीक्षा देउछनी। विधायकों स्वास्थ्य सामान्य खराब थिबारु तांको पई स्वतंत्र कोठरी व्यवस्था होइछि तेबे से पिलामानक सह मिसी परीक्षा देउथिबार सूचना मिलिछि। तेबे मैट्रिक पास करिनथिबा विधायक पूर्वरु परीक्षा देबा पई उद्यम करथिले मध्य विभिन्न कारणरु से देई पारिनथिले। तेबे विधायक केते नंबर रखिबे परीक्षा रे कृतकार्य होउछन्ती ओ आगको उच्च शिक्षा पई उद्यम करछन्ती कि नाही एबे ता उपरे नजर। बेसामरिक विमान चलाचल महानिर्देशालय शुक्रवार विदेश उड़ाण नहीं जारी प्रतिबंधक को संप्रसारण करछंती। देशरे जारी COVID-19 जनित परिस्थिति कारण विदेशर भारत को एवं भारत विदेश को विमान चलाचल अगस्त 31 तारीख पर्यंत निषिद्ध करछंती। तेबे DGCA को एही निषेधादेश कार्गो विमान लागि प्रयोज्य नुहे। DGCA को अंतर्जातीय उड़ाण कटकणार अवधि जुलाई 31 तारीख में शेष होता एणु शुक्रवार परवर्ती कटकणा जारी करथिले भी DGCA को अनुमोदित उड़ाण उपरे एहा लागू नुहे बोली स्पष्ट करा जाइछि। देशरे कोरोना भाइरस महामारी लागि 23 मार्च 2020 रे अंतर्जातीय विमान उड़ाण बातिल करा जाइथिला। परवर्ती काल रे विदेश को उड़ाण एपर्यंत स्वाभाविक होइनाही तेबे विदेश को स्वतंत्र विमान सेवा और कार्गो विमान चलाचल जारी रहिछि। तेबे गत वर्ष मे मास रे घरोई गंतव्य रे विमान सेवा पुणि चलाचल आरंभ करा जाइथिबा बेले एबे देश भितरे विभिन्न गंतव्य रे विमान चलाचल स्वाभाविक होइछि। तेबे देश रे COVID-19 रो संक्रमण उच्च स्तर रहुथिबारु अंतर्जातीय विमान उड़ाण नै कटकणा बलवत्तर रहिछि। भद्रक जिला भारतीय जनता युव मोर्चा पक्षर जिला सब रजिस्ट्रार कार्यालय सम्मुखें विभिन्न समस्या को नहीं आंदोलन कराई। दीर्घ दिन धरी जिले में स्थायी सब रजिस्ट्रार नथिबारु जमीजमा विक्रय क्रय करने आसुथिबा लोके अनेक असुविधार सम्मुखीन होउछन्ती। अन्य पक्षरे 200 रु अधिक लोक दलिल आसुथिबा बेले सेमानक पई पानीय जल व्यवस्था पार्किंग परिसरगार बसिया पई व्यवस्था नथिबारु अनेक लोक असुविधार सम्मुखीन होउछन्ती। विशेष करी वर्षा दिन में जल निष्कासन पई ड्रेनेज नथिबारु आंटी आंटी पानी पशि कार्यालय को आसुथिबा लोके असुविधा भोगुछन्ती। एथिप्रति जिला प्रशासन दृष्टि नथिबार अभियोग करी एही आंदोलन करायछि बोली कहिछन्ती बीजेपी युव मोर्चा सभापति विकास श्रेष्ठ। जदि आगामी दिन में समस्यार समाधान न हुए आंदोलन तीव्रतर हेबो बोली कहिछन्ती बीजेपी युव मोर्चा। टोक्यो ओलंपिक्स रे क्वार्टर फाइनाल खेलिबा आशा उज्जीवित रखिबाकु जाई आज
ୱିମେନ୍ସ ପୁଲ୍ ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ଆୟାରଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ନବନୀତ କୌର ଖେଳ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଅତି ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ପାସ୍ ପାଇବା ପରେ କୌର ଗତିଶୀଳ ବଲ୍କୁ ନେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ପାୟାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲା। ଫାଇନାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଖେଳରେ ଯଦି ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରେ ଏବଂ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ଭାରତ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍କୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ଠାରୁ 1-4 ପରାସ୍ତ ହୋଇ ବୁଧବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମାତ୍ର 73 ସେକେଣ୍ଡରେ ହାର୍ନା ମାର୍ଟିନ୍ ସ୍କୋର କରିବାରୁ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ ଉତ୍ତମ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ପାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଚୋରି ଉଦ୍ୟମ କରି ବିଫଳ ହେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାର୍କଣା ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ବ୍ୟାଙ୍କ ଚୋରି କରିବା ଉଦ୍ୟମ କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସିମୁଳିଆ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ନିଜର ପଦକ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି ପିଭି ସିନ୍ଧୁ। ଆଜି ସେ ବିଶ୍ୱର 5 ନମ୍ବର ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଖେଳାଳି ଜାପାନର ଆକେନ୍ ୟାମାଗୁଚିଙ୍କୁ ହରାଇ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ର ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସିନ୍ଧୁ ନିଜର ଜାପାନୀ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ଖେଳିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଗେମ୍କୁ ସେ ସହଜରେ 21-13 ଜିତି ନେଇଥିଲେ, ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍ରେ ୟାମାଗୁଚି ଲଢୁଆ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସେ ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଟପି ଯାଇଥିଲେ, ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ସିନ୍ଧୁ ଲଢୁଆ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍କୁ 22-20 ଜିତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ।